तो आप सबको छठ पूजा की ढेरों सारी बधाइयाँ। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक मैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और जो कल वीडियो शूट किए थे उसको एडिट कर लिए, और थोड़ा बहुत क्लिप जो है वो मिसिंग था, तो वो मतलब कि राहुल भाई के कैमरा फ़ोन से शूट किए थे, कहा कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो चलिए उसका से जो भी फुटेज है वीडियोज़ है वो सब लेते हैं और यहाँ पे ऐड करके और इसको फाइनल करके और अपलोड में चढ़ाते, कहा कि 9 बजे फिर ब्लॉग आने वाला है। तो गाइज अभी आए राहुल भाई के यहाँ, देख लीजिए, और उस दिन जो वीडियो शूट किए थे ना, थोड़ा बहुत क्लिप जो था मतलब मेरा फ़ोन जो है ना स्विच ऑफ हो गया था, तो थोड़ा बहुत क्लिप इसी का फ़ोन से लिए, रेनो 6 फ़ोन है, इसका भी कैमरा क्वालिटी बहुत मस्त है, पहले हम इसी को लेने वाले थे, उसके बाद फिर आईफोन लें, तो इसी में ब्लॉग शूट हुआ था उस दिन, थोड़ा बहुत क्लिप बचा हुआ था तो उसी को अभी ऐड करेंगे इसमें, कल मतलब कल ही शूट हुआ था, ठीक है, तो कल ही वाला क्लिप जो है ना ऐड करेंगे थोड़ा बहुत। अभी शेयर हो रहा है वीडियो, अभी देखिए राहुल भाई भी अपने चैनल में वीडियो अपलोड करेगा, शूट करने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे रिंग लाइट सेट किया है, और ये वाला रिंग लाइट हाल ही फिलहाल में हम लोग का मतलब कि आया है, और अभी वीडियो शूट करेगा, यही दुकान के बारे में मतलब शूट करता है, जो भी यहाँ पे पार्ट्स वगैरह है ना उसी का वीडियो बनाता है, और आप जाके देख लीजिएगा चैनल को, मैकेनिक बाबू के नाम से राहुल का चैनल है, तो वहाँ पर अगर आपको मतलब कि गाड़ी उड़ी से रिलेटेड जानकारी चाहिए, उसका स्पेयर पार्ट से रिलेटेड जानकारी चाहिए, वो सारा चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगा। कलर भी चेंज होता है, बहुत कलर इसका रहता है चेंजिंग। ये सब जो है ना रूम में वीडियो बैठ के जो बनाता है ना उस सब के लिए बढ़िया है, हम लोग दिन भर घूमते रहते हैं, ब्लॉगिंग ब्लॉगर के लिए नहीं है वैसा। तभी राहुल भाई का वीडियो शूट होगा, और ये रहा DSLR से इसका वीडियो बनता है, क्या DSLR में भी जबरदस्त क्वालिटी देता है भाई, मेरा भी बहुत सारा वीडियो इस चैनल पे है ना DSLR से। तो अभी चलिए राहुल भाई का वीडियो शूट कर देते हैं। तो गाइज देखिए ये को वीडियो शूट में कितना ज़्यादा मतलब ये दिक्कत होता है, अब बैकग्राउंड सही नहीं आ रहा था, ठीक है, तभी इसको इस कोने से लगाते हैं, और इधर ये खड़ा रहेगा राहुल, अब देखते हैं कि कैसा इसका क्वालिटी आता है। तो गाइज वीडियो शूट कर करके आदत हो गया है, मतलब कि हम बोले तो 1000 वीडियो हम अभी तक बना दिए हैं, ठीक है, इसलिए हम लोगों को कोई दिक्कतें नहीं लगता है, वही अगर नया नया रहते ना तो फिर लगता कि भाई ऐसे करो वैसे करो इधर करो उधर करो, तो धीरे धीरे काम करते करते सबका आदत पड़ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिक बाबू। तो गाइस अभी राहुल भाई का फर्स्ट क्लिप जो था वो शूट हो गया, अब दूसरा क्लिप शूट करेंगे, इसके बारे में जानकारी देगा ट्यूब के बारे में, तो चलिए अभी इसको शूट करते हैं। तो गाइस अभी फाइनली वीडियो शूट हो गया, रिंग लाइट खोल कर रख दिए, ये रहा हमारा DSLR। गाइस राहुल भाई देखिए को नया होम थिएटर लिया है, मेरा है 6000U और ये राहुल लिया है 6000X। इसमें I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing. स्टूडियो के लिए नया होम थिएटर लिया गया, पहले था ये सोनी वाला, देखिए इसका डब्बा फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, ब्लूटूथ दिया है इसमें, और ऑटो कलर मल्टी कलर LED दिया है, ऑटोमेटिक मल्टी कलर LED दिया है, और 5x कंप्यूटर मल्टी मीडिया स्पीकर है FND कंपनी का। तो ये इसका प्राइस गाइस पड़ा 13,000 कुछ रुपया पड़ा, और यहाँ पर वायर वगैरह दिया कनेक्ट करने के लिए LED वगैरह से। इसका मॉडल देखिए 6000X F6000X, ये जो है ना फ्लिपकार्ट से मंगा के यहाँ पर चिपकाए थे, बहुत मस्त लगता है, पूरा स्टूडियो में लगा दिए हैं गाइस। अरे इसका एक मतलब कि प्लस पॉइंट है कि इसको आप हटा भी सकते हैं, और आपका दीवार भी ख़राब नहीं होगा, और कितना बढ़िया दिख रहा है देखिए पूरा। तो गाइस देखिए सक्षम को दिन भर खाली बैलून फुला फुला एकदम खेलते रहता है। कौन कलर का फुला दे? ग्रीन। ग्रीन कौन वाला बताओ तो? और वाइट? और सफेद? सफेद सफेद नहीं जानता है, खाली इंग्लिश में जानता है। ऑरेंज? ऑरेंज कौन वाला दिखा तो उठा के। ऑरेंज और ग्रीन कलर? ग्रीन। और हरा कौन वाला है? हरा कलर? हरा। और सफेद? सफेद तो सफेद नहीं जानता है, खाली इंग्लिश में जानता है ना। तो गाइस देखिए सक्षम को कलर पहचानने सीख गया, और ये जानते हैं कैसे सीखा है? यूट्यूब से सीखा है, यूट्यूब में वीडियो देखता है ग्रीन कलर कौन है, ऑरेंज कलर कौन है,
और व्हाइट कलर कौन है और वैसे ही सीख गया है। लेकिन हिंदी में इसको पूछ रहे ना तो नहीं जान रहा है। हिंदी वाला वीडियो देखेगा तो सीख जाएगा बाबू। हिंदी वाला देखेगा ना यूट्यूब में हिंदी में कलर वाला हरा कलर गुलाबी कलर तो सीख जाएगा। ये वाला कलर पहचानने तुम कैसे जाना है बताओ तो। यूट्यूब में वीडियो देख देख के वीडियो देख देख के देखा है ना कौन कलर है कौन कलर है। ये कौन कलर है बता तो। अरे ये वाला तो गाइस देखिए मेरा ब्लूटूथ जो है ना पूरा गंदा हो गया है। इसमें मतलब तो काला काला पूरा कचरा बैठ गया है तो अभी इसको साफ करेंगे। मतलब इसको शैम्पू से थोड़ा हल्का हल्का पोछ देंगे ना पूरा क्लीन हो जाएगा। देखिएगा अभी कितना अच्छा दिखेगा साफ करने के बाद है। तो अभी गाइस शैम्पू ले लाए हैं 1 रुपया वाला। इस शैम्पू से अभी इसको क्लीन करेंगे। पूरा नया जैसा दिख रहा है। और अभी हम थिएटर को भी साफ करते हैं क्या गैस थोड़ा फ्री है तो इस सबको थोड़ा साफ करते। बहुत दिन से पोछे नहीं है मतलब हमको लगता है कि 6-7 महीने से इसको पोछे नहीं है। थोड़ा सा अगर अच्छा से शैम्पू भिंगा के इसको पोछ देंगे ना तो पूरा क्लीन हो जाएगा एकदम नया जैसा। देखिए दो को इधर पोछे हैं कितना साफ दिख रहा है दोनों। और इसको भी पोछे हैं उधर वाला पूरा गंदा है वो दोनों भी क्लीन कर देंगे। जो हम थिएटर अब राहुल घर में देखे थे ना वही हम थिएटर है 6000U और वो था X। ठीक है दोनों सेम है बस इसमें ब्लूटूथ नहीं दिया उसमें ब्लूटूथ दिया और यहाँ पे लाइट जलता है वो लाइट यहाँ पे नहीं दिया। बाकी जो साउंड का मामला में गए मतलब हमको लगता है कि उसे है भी बचता ही वाला। हम घर में खाली बैठे रहते हैं ना गैस तो यही सब करते रहते हैं साफ सुथरा करते रहेंगे सामान वान। गैस देखिए मेरा गाड़ी पूरा एकदम गंदा हो गया 2-3 दिन पानी मारा नहीं ऐसा पूरा मिट्टी उट्टी जम उड़ गया उड़ उड़ के पूरा बैठ गया है। अभी गैस टाइम देखिए 5 बज रहा है और अभी मतलब हम सो गए थे लगभग 3 बजे और 3, 4, 5 अब 2 घंटा सोए। ठीक है 2 घंटा सोने के बाद अभी उठ रहे हैं क्या है कि 3 दिन ना गैस इतने लगातार काम हो जाता है ना सोने अच्छा सो भी नहीं पाते 3 दिन। ठीक है शुक्रवार शनिवार और रविवार 3 दिन पूरा कंटिन्यू बहुत तगड़ा वाला काम रहता है। और गैस नहाए धोए खाना खाए उसके बाद सीधा सो गए। थोड़ा सा मतलब कि ढल गए थे गाना सुन रहे थे हम थिएटर में अभी देखे वो नहीं है। ठीक है उसके गाना सुनते सुनते ना सो गए और अभी 5 बज रहे अभी उठे हैं। यहाँ देखे मम्मी तेजपत्ता बना रही है। बहुत सारा मसाला हम लोग घर में बनाना पड़ता है काहे कि अगर सब चीज़ मार्केट से लेने लगेंगे तो उतना प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे घर में भी बहुत सारा मसाला हम लोग बनाते हैं जो कि शुद्ध भी रहता है और बढ़िया भी रहता है सस्ता भी पड़ता है। गाइस ये देखिए हम लोगों को छठ तालाब है और आज शायद छठ पूजा है हमको भी नहीं पता था संझ की अर्घ हो रहा है। तो आप सबको छठ पूजा की ढेरों सारी बधाइयाँ। एक और छठ होता है ना जो ठंडा के मौसम में होता है मतलब अक्टूबर नवंबर के बीच में उस समय पूरा यहाँ पे जो देख रहे हैं ना पूरा ये वाला तालाब में खचम खच भीड़ रहता है। और देखिए मार्केट लगा हुआ है भाई मम्मी बोल रही है कि ब्रेड चाप लाने के लिए जा रहे हैं अभी उधर ही मार्केट गए तो वहाँ पे ब्रेड चाप तो नहीं मिला अभी समोसा ले लाए हैं। तो गाइस अभी आए गुपचुप खाने के लिए ये भैया हैं और हमको पहचान जाते हैं दूर से ही देख के मुस्कुराने लगते हैं। अभी इनका फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था म्यूट वाला मतलब म्यूट हो गया था इनका फ़ोन तो उसको अभी ठीक कर दिए हैं। तो चलिए अभी गुपचुप खाते हैं। ये मार्केट लगा हुआ है देखिए हम लोग हर तरफ। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 10:35 और अभी देखिए हम फ्लिपकार्ट में ना एगो बैग ऑर्डर मार रहे थे छोटा वाला जो बैग रहता है ना यहाँ पे ऐसे करके टांगते हैं तो ये वाला बैग इसलिए मंगा रहे हैं ना कहे कि इसमें फ़ोन भी रखेंगे क्या कि 2 फोन रहता है तो पॉकेट में आता नहीं सही से और हम जाते हैं ना रांची सामान वामान लाने के लिए तो ज़्यादा पैसा वैसा भी रहता है तो उसको मतलब पैकेट में दिन भर निकालना घुसाना रहता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसलिए ये वाला बैग मंगा रहे हैं इसी में पैसा वैसा भी ले जाएंगे और कहीं भी अगर जाना हुआ ट्रेवलिंग में तो फिर फ़ोन उन चार्जर हो गया आपका हेडफोन हो गया उसके बाद आपका पावर बैंक अगर एगो लेंगे तो उसको भी वहाँ रखेंगे तो इसके लिए ऑर्डर कर रहे हैं। तो अभी देखिए जो बढ़िया लगा उसको पसंद करके देखिए वो ऑर्डर मारे हैं उल्टा दिख रहा है शायद आपको तो ये ऑर्डर मार दिए हैं और ये 3-4 दिन में आ जाएगा। तो बैग तो ऑर्डर मार लिए
और देखिए भाई डिनर में क्या है, रोटी है और ये प्याज आलू और पत्ता गोभी का भुंजिया। तो चलिए अभी इसको खाते हैं। आज मंडे था और पूरा टाइम मेरा मतलब कि आज फ्री रहते हैं पूरा, आज कहीं पे काम वाम नहीं रहता, तो आराम से एकदम ब्लॉग बनाया है। और आई होप आपको पसंद आया होगा ये ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने का मन होगा सब्सक्राइब कर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।